चतगर्द खत्म कर दिए गए हैं, मांसवाए चंद गारों के, जिन्हें जल्द बाजियाब करवा लिया जाएगा। उम्मीद है अगले 24 घंटे में हालात मामूल पर आ जाएंगे। सदर जोदारी, चांद पर पहुंचकर क्या पैगाम देंगे? हमारा ये वायदा था, हम इमदाद लेने चांद पर जाएंगे। हमारा ये दौरा बहुत कामयाब रहा। चांद खप्पे, खप्पे, चांद खप्पे। और अगर शेख रशीद साहब चांद पर पहुंचे तो दुनिया को क्या पैगाम देंगे? देखिए जी, मैं दावे से ये कहता हूँ, अवामी लीग यहाँ की सबसे मकबूल जमात है और मैं यहाँ से अक्सरियत से बिला मुकाबला जीतूंगा। अफगानिस्तान में एक तकरीब के दौरान सदर करजई ने फौरी तौर पर एक दरख्वास्त लिखकर जॉन कैरी को पेश करना चाहिए। लेकिन तकरीब के दौरान ही ये गुजारिश चोरी हो गई। दरख्वास्त की बरामदगी के लिए जॉन कैरी ने फौरी तौर पर ही एक खसूसी तैयारा सदर करजई को मरहमत फरमाया। इस हफ्ते की टॉप 3 फिल्में ये रही, मैं और मिसेस क्लिंटन। दूसरे नंबर पर फिल्म रही अजब प्रेम की गजब कहानी। नंबर 1 पर वेकअप ब्रो। जवेरिया, कौन से सियासतदान कौन सा परफ्यूम लगाते हैं? खबरु जमा कायरो साहब तो परफ्यूम ही नहीं लगाते ताकि मुखालिफ को फौरन जेर कर सकें। सदर जोरदारी का परफ्यूम है बॉस। नवाज शरीफ का परफ्यूम है मनमोहन सिंह का परफ्यूम है मौलाना फजल रहमान का परफ्यूम है जवेरिया, हमारे साथ अदाकारा मीरा जी कनाडा से ऑनलाइन है और उन्होंने शर्त रखी है कि उनसे शादी के हवाले से कोई बात ना की जाए। ओके, कोई बात नहीं करेंगे, चलिए जल्दी। जी मीरा जी, तो आपकी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा चली? मेरी शादी की न्यूज। जी जी, वैसे कैसी हैं आप इस वक्त? आई एम सिंगल एट द मोमेंट। अगेन, मेरा मतलब है कि अच्छा ये बताएं, हम आपके लिए क्या कर सकती हैं? क्लिंटन साहब से शादी करवा दें। क्लिंटन? वो तो आपसे 2-4 साल बड़े हैं, किसी और का बताइए। मुशरफ साहब से शादी करवा दें। सदर मुशरफ तो हर काम के पैसे मांगते हैं। वैसे पहले आप किसी एक बंदे का नाम फाइनल कर लें और ये भी बता दें कि वो किस मुल्क का हो। हो सकता है मेहंदी पाकिस्तान में हो, बारात लंदन में आए और वलीमा कनाडा में हो। मेहंदी पाकिस्तान में, बारात लंदन में और वलीमा कनाडा में। वैसे मीरा जी, एक शादी ज्यादा बेहतर नहीं रहती? मिल के शुक्र से कसम भी खाली, जमुरियत की यानी बोली रस्म भी खाली।
का रहता है ग्लो। मुड़ के देखा ना कर जो सर में सोचाएगी तुझे गुम मोचाएगी। अलादीन की नाकामी के बाद सिनेमा घरों की सूरत हाल ये रही। हे रुक, देख मेरे दोस्त, ये फिल्म अलादीन के दो टिकट हैं, खरीद ले। मैं फिल्में नहीं देखता। इसीलिए तो कह रहा हूँ, दो टिकट ले लो। मैं फिल्म अलादीन का जिन हूँ और अलादीन ने कहा है फिल्म को दो तीन टिकटें ही भेज दो। रहमान मलिक की मसरूफियात की एक रिपोर्ट। सर वो देखे, लेट मी नो हिज नेम, मुझे उसका नाम बताए वरना मैं बताता। देखे, पाकिस्तान का ऑल ओवर द वर्ल्ड इमेज बेहतर बनाने का क्रेडिट जाता है हिलरी क्लिंटन को। इनफ इज इनफ। आप बताएं, लेट मी फिनिश फर्स्ट बिटवीन द मीटिंग। ये क्लियर कट मैसेज दिया है हमने कि जंगी मैदान में या पॉलिटिकल मैदान में हमने जो कामयाबियां हासिल की हैं उसका क्रेडिट सदर ओबामा को जाता है। थैंक यू, आई एम बिजी। लिसन मी फर्स्ट, I shall go to Islamabad. But मैं कहता हूं NRO का वापसी का क्रेडिट अवाम को जाता है। हर काम का क्रेडिट किसी और को ही जाता है, मौजूदा हुकूमत को भी किसी बात का क्रेडिट जाता है। Yes, मुझे वजीर दाखला बनाया, इस बात का क्रेडिट मौजूदा हुकूमत को जाता है। क्या? Thank you very much. Be quick. अभी बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। हुकूमत ने NRO को दफना दिया। कलमाए शहादत, कलमाए शहादत। माचिस है तुम्हारे पास? हामिद करज़ई की हल्फ बर्दारी की तकरीब में अहम शख्सियात ने शिरकत की। ओबामा चीन के दौरे पर जाने लगे तो उन्होंने हिलरी से पूछा, हु इज प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। उन्हें इस बात पर हैरानी थी कि किसी चीनी को अपने सदर का नाम नहीं आता, जिससे उनके सदर की बात करो तो वो कहता ह्यू इज प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। सो ये पता करने कि चाइना का सदर कौन है, वो चाइना के दौरे पर गए। Finally, as I did yesterday in Shanghai, I spoke to President Hu about America's bedrock beliefs that all men and women possess certain fundamental human rights. 最后，就像我昨天在上海所做的那样子，我和胡主席谈到了美国的一个最。We do not believe these principles are unique to America, but rather they are universal rights. 也就是所有的男女，他们拥有某一些。奥巴马साहब जरा फिर शुरू तो शुरू करना। Finally, as I did yesterday in Shanghai. इतना भी शुरू में नहीं जाना।